नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल आर के बूस्ट में। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस शॉप को टेक्सचर करेंगे और इसमें लाइटिंग इफेक्ट, ये हम आगे के वीडियो में भी देखेंगे। फिलहाल हम इसे टेक्सचर करना सीखेंगे। इसके लिए आप मटेरियल प्रीव्यू पर आ जाइए। अगर मेरा टेक्सचरिंग इंट्रो वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उससे आप जाकर देख सकते हैं ब्लेंडर फुल कोर्स वाली प्लेलिस्ट में। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम इस शॉप को टेक्सचर करते हैं। इसके लिए आप एक शेडर मेनू यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ये शेडर एडिटर हमारा आ गया है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस शॉप प्रॉप हमने जो बनाया है इसे हम कर लेते हैं टेक्सचर। उसके बाद हम डायरेक्ट डुप्लीकेट करके इस पर अप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल हम इस पर टेक्सचर करने वाले हैं। तो हमने जैसा प्रीव्यू में देखा था डेस्कटॉप पर कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन है हमारी रिग पर, तो हम भी कुछ इसी टाइप से बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एडिट मोड में जाएंगे और जो जो आपको सबसे पहले तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है। तो वाइट कलर है तो सिंपली आप इसे ग्रे स्टोन दे दीजिए। मैं इसे एक न्यू मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल VSDF आ चुका है। सिंपली आप जैसे बेस कलर को ग्रे स्टोन थोड़ा करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देना है न्यू मटेरियल। तो आप उन एजेस को सिलेक्ट कर लीजिए फेस को जहाँ पर कि डिज़ाइन देना है आपको। ठीक है, ये हम यहाँ पर डिज़ाइन देना चाहते हैं यहाँ पर, साइड से भी कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको करना है न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे, ये हो गया, इसे असाइन कर देंगे तो इन फेस पर ही असाइन हो चुका है। अब आप जो कलर यहाँ से देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको प्रीव्यू विंडो अलग से देखनी है, एडिटिंग मेनू में कई बार क्या होता है कि ठीक से कलर दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए आप ब्लेंडर प्रॉपर्टीज पर चले जाइए, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रीव्यू में रहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर आप इसे कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत रहेगा। मैं थोड़ा इसे और अलग करना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमारा कलर थोड़ा और कुछ इस टाइप से था। ठीक है, अब चूँकि ये वुडन मटेरियल होता है इसलिए इसकी रफनेस बहुत हाई होती है, मैंने रफ कर दिया। जो बैकग्राउंड वाला भी उसे भी रफ कर देंगे। स्पेक्युलर 0। अब इसमें रफनेस थोड़ी सी तो हमें देनी पड़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक नॉर्मल टेक्सचर सीख रहे हैं। अब जो ये वाले हिस्से हैं इन्हें हमें रखना है वाइट। इसे भी हम कर देंगे अप्लाई। और इसे आप देखेंगे कि वाइट हो चुका है। सिंपली क्या करेंगे, इन्हें आप डिलीट कर दीजिए।
ये हो गया हमारा बैक वाला टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नीचे टाइल्स हमें जैसे लगा, शिफ्ट ए प्रेस किया, प्लेन एड कर लिया, स्केल कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेन एड कर लिया। इस प्लेन पे हमें टाइल्स का टेक्सचर अप्लाई करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर जाकर न्यू मटेरियल ले लेंगे, इसका नाम भी मैं टाइल्स रख देता हूँ। यहाँ पर आप चेकर टेक्सचर सर्च करिए और इसे ले लीजिए, कलर को कलर से जोड़ दीजिए, तो देखिए कुछ इस तरह की बन चुकी है। इसे हम थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये देखिए। अब आप इसे स्केल कीजिए, जितनी छोटी या बड़ी आपको टाइल्स चाहिए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं स्केल, ठीक है। ये हो गई हमारी टाइल्स। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि ग्लास टाइप का था, क्योंकि इसमें जो है दिखाई देने लग गया है पर रिफ्लेक्शन। ये हमारा स्टील हम कर लेंगे, इससे और वैल्यूज को आप थोड़ा करके देख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। चलो ये तो हो गया हमारा स्टील वाला। देन हमको बनाना है ग्लास, जो हमारा कुछ रखने का है, मान लीजिए स्टील का बना हुआ है, ठीक है। ग्लास हम जो है अप्लाई करने वाले हैं तो स्टील मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली फेस पर इसे कर लेंगे सिलेक्ट, ओनली ये वाली फेस पर, ठीक है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपने सेलेक्ट कर लिया। देन आपको न्यू मटेरियल, स्टील, स्टील होता है हमारा थोड़ा सा सिल्वर टोन कुछ इस तरह से, आपको मेटेलिक फुल कर दीजिए क्योंकि मेटल का बना होता है स्टील कुछ इस तरह। स्पेक्युलर भी थोड़ा होगा ही, रफनेस काफ़ी कम होगी अगर स्टील है तो, सीधी सी बात है। ये हमने थोड़ा सा कम कर दिया, तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्टील वाला लुक आने लग गया हमारे इस पर, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये वाली फेस जो है इसमें से हम सबसे ऊपर वाली को छोड़ देते हैं, लास्ट वाली इसे हम रखना चाहते हैं ग्लास लुक। ग्लास लुक करने के लिए सिंपल हम ग्लास पे जाके इसे असाइन कर देंगे, अभी ग्लास जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ग्लास बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट BSDF ले लेंगे, यह क्या करेगा इन फेसेस को ट्रांसपेरेंट कर देगा। देन हम एक ले लेंगे डिफ्यूज शेडर, डिफ्यूज नॉर्मल वाला शेडर होता है कलर, जैसे आप डिफ्यूज इस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ नहीं, और इन दोनों को कर देंगे मिक्स। तो मिक्स शेडर क्या करता है, दो शेडर को मिक्स कर देगा, जैसे ही आप दोनों को अप्लाई करेंगे, मान लीजिए ग्लास का कलर हमारा थोड़ा ब्लू टोन में है, ठीक है। अब हम जैसे ही यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करेंगे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये है अल्फा हमें करना पड़ेगा, ताकि हमें पीछे का भी जो है ग्लास टाइप का दिखाई दे, लाइटेस्ट से पास हो सके। जैसे जैसे आप वैल्यूज को कम ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास लुक्स दिखाई देने लग गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, है। आप अपना इंजन PV ही रखना, अगर आप रिफ्लेक्शन को ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो ये ग्लासी लुक थोड़ा देने लग गया है हमारा। अगर आप वॉल्यूम पर करते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए आपको सरफेस पर ही रखना है, जी हो गया। अब अगर आप इसे अल्फा हैश की जगह अल्फा ब्लेंड कर दें तो देखिए काफ़ी अच्छा लुक दिखाई देने लग जाएगा, वन की तरफ जाएंगे तो वो ट्रांसपेरेंट कर देगा,
अगर आप ग्लास को ब्लू नहीं रखना चाहते, वाइट ग्लास रखना चाहते हैं, आप वाइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शेडो भी अल्फा हैश कर सकते हैं, अल्फा पीप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये वाली जो है, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाऊंगा ताकि जो इससे नीचे वाला है वो ओनली ये हमारा साइन हो चुका है ऊपर। अब ये वाला और ये वाला जो है, इसे हम रखना चाहते हैं थोड़ा वुड वुड टाइप का मटेरियल। तो वुड टाइप का मटेरियल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये कहीं इमेज से सिंपली आप क्या करेंगे, इमेज टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर उस एक को ओपन कर लेंगे जहाँ पर आपका टेक्सचर जो सेव है, जैसे हम अगर यही से अगर लेना चाहे वुड मटेरियल, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यूवी एडिटिंग में चले जाइए। यहाँ पर जो है ये आपकी दो जो फेस है ये अनरैप हो जाएगी। इसे आप क्या कीजिए, स्केल करके जो हमारा वुड मटेरियल है वहाँ पर ले जा सकते हैं, और इसे थोड़ा सा स्केल कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो आपका वुड मटेरियल है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वुड मटेरियल हमारा बहुत रफ होता है, इसे थोड़ा सा रफनेस बढ़ा देंगे। अगर आपको जो है एकदम चिकनी वाली वुड चाहिए तो आप रफनेस कम कर दीजिए, थोड़ी सी रफनेस ले लेते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, इसलिए हम आज केवल इन दो चीज़ों को टेक्सचर करके रोकते हैं। कल हम सीखेंगे इमेज टेक्सचर करना, कि इमेज कैसे अनरैपिंग कर सकते हैं इस बॉटल पर, जैसे कोका कोला अगर आपको बनानी हो, अगर चिप्स आपको बनानी हो, चिप्स का पैकेट बनाना है, या फिर कैंडी की जो है आपको बनानी है जार, तो आप कैसे इमेज को अनरैप कर पाएंगे, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी।